रिसेंटली आने वाले कई सारी फिल्मों का बड़े अपडेट अनाउंस हुई है और जहां पर पुष्पा 2 से शुरू करके शमशेरा का अपडेट भी शामिल है। तो इस लिस्ट पर और कौन कौन से फिल्म है जानने के लिए शो सेंटर तक की वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 17 RC15 का अपडेट और जहां पर यह है मेगा पावर स्टार रामचरण और डायरेक्टर एस शंकर का अपकमिंग प्रोजेक्ट। RC15 का शूटिंग अभी हैदराबाद का विक्टोरिया मेमोरियल होम पर हो रही है और जहां पर इलेक्शन और वोटिंग का एक इम्पॉर्टेंट सीन का शूट की जा रही है, यानी कि राम का ये फिल्म होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। नंबर 16 नेशनल अवार्ड 2020 और जहां पर रिसेंटली 2020 का नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट आई है, जहां पर सोराई पोट्रू लगभग 5 कैटेगरी पर अवार्ड जीता है और जहां पर बेस्ट एक्टर के हिसाब से मारा सूर्या ने जीता है ये अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर के हिसाब से सुधा कुंगारा, म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से जीवी प्रकाश, एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली और बेस्ट फिल्म का हिसाब से 2D एंटरटेनमेंट फिल्म। और एक स्पेशल मेंशन ये है कि जहां पर सूर्या के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड पे बॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार अजय देवगन ने भी नेशनल अवार्ड जीता है अपनी फिल्म तन्हाजी दानस्वांग वारियर के लिए। नंबर 15 माचेला नियोजका वर्गम का अपडेट और जहां पर यह है टॉलीवुड का यंग हीरो नितिन का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और रिसेंटली इसी फिल्म का एक एक्शन पैक्ड वीडियो की गई है रिवील्ड और जो है धमकी और जहां पर नितिन को पावरफुल डायलॉग और साथ में इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ नजर आ रही है। और काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नितिन का इस अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर 29 जुलाई रिलीज होगा। नंबर 14 पठान का अपडेट और सभी लोग जानते हैं कि यह है बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और रिसेंटली यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन ने इस फिल्म का लीड एक्ट्रेस यानी कि दीपिका की फर्स्ट लुक पोस्टर किया है रिवील्ड और जहां पर इसे फर्स्ट मोशन पोस्टर पर दीपिका को काफी इंटरेस्ट एक्टर में नजर आई है। नंबर 13 थैंक यू का कलेक्शन और रिसेंटली नागा चैतन्य राशि खन्ना की फिल्म थैंक यू रिलीज हुआ है और जहां पर इस फिल्म को मिला है ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू और क्रिटिक्स का ये कहना है कि थैंक यू पर नागा ने अपनी कैरियर वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है। और कलेक्शन की बात करूँ तो जहां पर थैंक यू फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड पर लगभग 6 करोड़ का कलेक्शन दिया है जहां पर फिल्म को हिट होने के लिए 25 करोड़ का शेयर कलेक्शन उठाना पड़ेगा, यानी कैसे करके ह्यूज लॉस होगा प्रोड्यूसर का और थैंक यू फिल्म एक डिजास्टर रहा। नंबर 12 थलापति 67 का अपडेट और जहां पर यह है थलापति विजय का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और जिसको डेट करी है लोकेश कनगराज ने और जहां पर सभी लोग जानते हैं कि इसमें विजय को एक गैंगस्टर एक्टर में नजाएंगे, दूसरी तरफ समानता को रोमांटिक नहीं बल्कि एक रूथलेस कॉप के रोल में नजाएंगे, यानी कि थलापति 67 पर विजय और समानता के बीच में बिल्लर चूहे वाला खेल देखने को मिलेगा। नंबर 11 नो एंट्री का सिक्वल और रिसेंटली विक्रांत रोना का प्रमोशन इवेंट पर बॉलीवुड के भाइजान सलमान खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म का एक अनाउंसमेंट दिया है और बता दोस्तों जहां पर उन्होंने भाईजान फिल्म का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद नो एंट्री का सिक्वल को करने वाले हैं लॉन्च। और बता दोस्तों जहां पर नो एंट्री 2 का शूटिंग दिसंबर से शुरू करने का प्लान है। नंबर 10 SSMB 29 का अपडेट और जहां पर यह है टॉलीवुड के प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू और डायरेक्टर राजामौली साहब का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और रिसेंट रिपोर्ट्स का मुताबिक मेकर्स ने 2023 से शूटिंग स्टार्ट करने वाले है और जहां पर इसके बाद प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन फेज और साथ में VFX का काम मिला के लगभग 3 साल लगेगा, यानी कि SSMB 29 फिल्म को 2026 पर रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि महेश बाबू का फैंस को इसी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट के लिए एक लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा। नंबर 9 सीतारामन का ट्रेलर और रिसेंटली दिलकुर सलमान का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट सीतारामन का ट्रेलर को की गई है रिवील्ड और जिसको मिली है ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स जहाँ पर एक हार्ट टचिंग एपिक लव स्टोरी के साथ मिलाकर इंडियन पाकिस्तानी वॉर को दिखाया जाएगा और इसमें दिलकुर ने एक ऑर्फन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करी है। और बता दोस्तों जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु तमिल और मलयालम भाषा में 5 अगस्त रिलीज होगा। नंबर 8 शमशेरा का कलेक्शन और रिसेंटली रणबीर कपूर का फिल्म शमशेरा रिलीज हुआ है और जिस फिल्म को लगभग 4,350 स्क्रीन पे रिलीज की गई है पर इसमें रणबीर का परफॉर्मेंस को सभी ने काफी पसंद किया है पर फिल्म को मिला है ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू और ऐसे करके डे बाय डे कलेक्शन लो हो रही है
और देखा जाए तो कलेक्शन पर 70% ड्रॉप हुआ है। और ऐसे करके ये फिल्म अपनी फर्स्ट 4 डेज में 34 करोड़ का नेट कलेक्शन दिया है। ये आनकी शमशेरा होने वाले है एक डिजास्टर फिल्म। नंबर 7, मालान कुंजू का कलेक्शन। जहाँ पर ये रिसेंट रिलीज मलयालम का सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पर फहद फसल को एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पे नजर है। और क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म का म्यूजिक, मेकिंग स्टाइल और टेरिफिक परफॉर्मेंस को मिली है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और फहद का इस फिल्म को मिला है 8.1 out of 10 IMDb रेटिंग। और 4 डेज कलेक्शन की बात करूँ तो जहाँ पर यह फिल्म अभी तक की 6 crore 80 lakh का कलेक्शन दिया है। और ऐसे ही चलता रहा तो फहद का ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है हिट। नंबर 6, डार्लिंग्स का ट्रेलर। और जहाँ पर ये है आलिया भट्ट की नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और रिसेंटली इस फिल्म का ट्रेलर की गई है रिवील्ड और इसे डार्क कॉमेडी ट्रेलर को मिली है पॉजिटिव रिव्यू। और स्पेशली आलिया की प्रॉमिसिंग रोल सबको काफ़ी हैरान किया है। दोस्तों, डार्लिंग्स ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइए। नंबर 5, लाठी का टीजर। और जहाँ पर यह है विशाल का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और सभी लोग जानते हैं कि विशाल का कैरियर में लास्ट कुछ फिल्में फ्लॉप जारी है, पर हमें उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म होगा, क्योंकि जहाँ पर ऑलरेडी इस फिल्म का टीजर को मिला है पॉजिटिव रिव्यू और जिसमें विशाल को एक कांस्टेबल के रोल में नजर आ रही है और जो टीजर रहा काफ़ी एनर्जेटिक। नंबर 4, लकी मैन का टीजर। और जहाँ पर यह है डार्लिंग कृष्णा का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और इसी टीजर का सबसे स्पेशल बात यह रहा कि इसमें पावर स्टार पुनीत राजकुमार को एक स्पेशल कैमियो पर नजर आएंगे, और इसी वजह से ये टीजर कनाडियन के लिए काफ़ी स्पेशल टीजर रहा। नंबर 3, स्क्रू ढीला का अपडेट। और जहाँ पर ये है बॉलीवुड का यंग एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और जिसको डेट करी है शशांक खैतान ने। और जहाँ पर फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो पर टाइगर को काफ़ी स्टाइलिश एक्शन एक्टर पर नजर आई है। और जहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करी है करण जौहर ने। नंबर 2, कादुवा का कलेक्शन। और सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज सुकुमार ने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रही है। कादुवा की बात करूं तो जहां पर ये रहा एक एक्शन फिल्म और अभी तक की ये फिल्म 48 crore का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिया है। और ऐसा करके कादुवा बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट। नंबर 1, पुष्पा द रूल का अपडेट। और जहां पर ये है स्टार स्टार अल्लू अर्जुन का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पर पुष्पा द रूल को लगभग 10 लैंग्वेज में की जाएगा रिलीज। और मेकर्स का प्लान है इस फिल्म का शूटिंग अगस्त या फिर सितंबर से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद 2023 पर फाइनली पुष्पा 2 को रिलीज की जाएगा। तो सो ये रहा कुछ नया फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।